उदयपुर बवाल के बाद नाबालिग आरोपी अयान शेख के घर अब बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। कल अयान शेख ने अपने साथ पढ़ने वाले छात्र के ऊपर चाकू से हमला कर दिया था। मामला दो समुदाय के होने की वजह से हिंदू संगठनों ने अपनी नाराजगी जताई थी, जिसके बाद उदयपुर में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद दो छात्रों के बीच की लड़ाई दो समुदाय की लड़ाई बन गई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने कल ही अयान शेख के पिता को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद आज प्रशासन ने नाबालिग अयान शेख के घर पर बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि जिन्होंने कल उदयपुर में दंगा भड़काया यानी उदयपुर को जलाया, उन दंगाइयों पर सरकार क्यों खामोश है? क्या उन पर सरकार कोई कार्रवाई करेगी कि नहीं?